भाई लोग आज बात करने वाले बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में जो कि आज के स्मैकडाउन में हुई है। ब्रॉक लेसनर ने पूरी तरीके से तबाही मचा के रख दिया आज स्मैकडाउन में और रोंडा राउजी को शार्लोट फ्लेयर ने भी तोड़ के रख दिया। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन में रोंडा राउजी और शार्लोट फ्लेयर के बारे में। शार्लोट फ्लेयर का आज होम टाउन था लेकिन तब भी शार्लोट फ्लेयर को वो मिल रहा था क्राउड की तरफ से और शार्लोट फ्लेयर ने प्रोमो कट किया लेकिन बैक स्टेज में देख के रोंडा राउजी देख रही थी और रोंडा राउजी आके अटैक कर दी है शार्लोट फ्लेयर को लेकिन शार्लोट फ्लेयर बगल में स्टिक लुका के रखती है और उसी के ऊपर से अटैक कर देती है रोंडा राउजी को तोड़ के रख देती है। शार्लोट फ्लेयर अपना सबमिशन लगा देती है, स्टंट कॉल करती है। इस तरीके से शार्लोट फ्लेयर को अपर हैंड दिखाया गया है स्मैकडाउन में। चलिए गाइस बात करते हैं अपनी मेन खबर के बारे में जो कि जुड़ी है अपने रोमन रिंग्स और द ब्रॉक लेसनर के बारे में। गाइस रोमन रिंग्स आते हैं अपने चेले सपाटो के साथ रिंग में और प्रोमो कट करते हैं, पॉल हेमन भी रहते हैं गाइस, लेकिन तभी पॉल हेमन थोड़ी सी पिछली दिखाई देते हैं। रोमन बोलते हैं क्या हो रहा है पॉल, तो पॉल बोलते मेरे पास मैसेज आया कि ब्रॉक लेसनर आज लैंड नहीं करने वाले हैं स्मैकडाउन में क्योंकि उनका जो प्राइवेट जेट है वो मौसम के खराबी की वजह से नहीं आ पाएगा। तब बोलते हैं रोमन रिंग्स देखो मेरे से डर गया है ब्रॉक लेसनर और नहीं आ रहा है, मैंने उसको स्क्वायर गार्डन में ऐसे तोड़ के रखा है। लेकिन तभी पॉल हेमन द्वारा बीच में वो करने लगते हैं तो बोलते हैं रोमन क्या हो रहा है पॉल, तो पॉल बोलते हैं कि मेरी ट्राइबल चीफ भागो भागो ब्रॉक लेसनर आने वाला है, आ चुका है, लैंड कर चुका है स्मैकडाउन में। तभी रोमन रिंग्स बोलते हैं चलो जल्दी अपने सामान पैक करो भागो और बैक स्टेज में जाके जैसे ही रोमन रिंग्स अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और गाड़ी से अपोजिट साइड देखते हैं तभी वहाँ पे उनको दिखते हैं ब्रॉक लेसनर जो कि एक फॉर्कलिफ्ट लेके आते हैं और पूरी तरीके से आकर जो नुकीले रहते हैं उसी को अटैक कर देते हैं कार के ऊपर और वहाँ से गाड़ी पलटा देते हैं रोमन रिंग्स की ब्रॉक लेसनर और गाइस रोमन रिंग्स उसको जब पॉल हेमन किसी भी तरीके से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी गाड़ी पे जाते हैं और वहाँ पे भी ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं और वो गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं दौड़ के लेकिन ब्रॉक लेसनर गाड़ी का शीशा पकड़ते हैं फटक तो वो पकड़ लेते हैं लेकिन गाड़ी भाग जाती है लेकिन ब्रॉक लेसनर के हाथ से फटक आ जाता है और गाड़ी ब्रॉक लेसनर फटक लेके रिंग में आते हैं और बोलते हैं मुझे मैच में नहीं मुझे रोमन रिंग्स का खून चाहिए ब्लड चाहिए और मैं समझ नहीं रोमन रिंग्स को हरा दूंगा मैं इसको तोड़ के रख दूंगा। रोमन रिंग्स मुझसे डर के भाग गया, रोमन रिंग्स तेरे हिम्मत से तू आज के मेरे से आके लड़ ले और वो कर ले, लेकिन रोमन रिंग्स भाग जाते हैं गाइस के साथ और लिस्टर भी चले। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।